हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही झटपट बनने वाली कोल्ड कॉफ़ी। अब भाई गर्मियों का सीज़न आ गया है तो कोल्ड कॉफ़ी तो बनाना ही है, तो ये मैं बहुत ही आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी बनाने की। कभी कभी इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो हम बनाना सोचते हैं कि चलो ठीक है बाद में बना लेंगे, बट इस ट्रिक से आप इसे कभी भी झटपट बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पहले आप ले लीजिए 3 से 4 चम्मच शक्कर। अब इसमें मैं डालूंगी जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो 1.5 चम्मच। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, थोड़ा सा पानी, करीब 1.5 चम्मच पानी, और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, फेंटना है। तो आप इसको चम्मच से फेंट सकते हैं, आप इसको जो हैंड विस्क होता है उससे फेंट सकते हैं, आप पानी की जगह दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध हम बाद में यूज़ करेंगे इसलिए मैं अभी इसको पानी डाल के बस फेंट रही हूँ। अच्छे से फेंट लीजिए इसको, आप देखेंगे कि शक्कर अच्छे से घुल जानी चाहिए। अगर आप शक्कर पीस के लेंगे तो आपको इसको ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर लिया, इसका कलर भी थोड़ा लाइट हो गया है, जैसे हम डलगोना कॉफ़ी बनाते हैं उसी तरह का है, बट हमें उसको बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच पानी और मिला दिया है, और इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें मिला दूँगी चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो मिलाएं, अदरवाइज़ मतलब ज़रूरत नहीं है, बट ये इससे और अच्छी टेस्टी हो जाती है जो कोल्ड कॉफ़ी है। तो इसमें मैंने थोड़े से चोको चिप्स मिला दिए हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हमें आइस ट्रे जो है उसमें सेट करना है, तो आइस ट्रे में आप इसको डाल लीजिए। तो ये मैं आपको सिर्फ 4 से 5 क्यूब्स बना के दिखा रही हूँ। इस तरह से आप सारे क्यूब्स मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लीजिए, और जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो आप इसको निकाल के, आइस क्यूब्स को निकाल के आप इसको आइस बॉक्स में या एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हैं। ये मैं सिर्फ 4 से 5 ही क्यूब की क्वांटिटी में बनाया है, तो आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप शक्कर और कॉफ़ी एडजस्ट कर लीजिए। अब इसको हम रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए करीब 3 से 4 घंटे के लिए। तो हमारी कॉफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 3/4 ग्लास दूध, उसके अलावा हम लेंगे 2 आइस क्यूब्स। तो ये मैं 1 ग्लास कॉफ़ी बना के दिखा रही हूँ, और ये मैंने शेकर ले लिया। तो कोई भी आप बॉटल, अगर आपके पास शेकर नहीं है तो आप कोई भी बॉटल यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम ये कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे, और ये रहे हमारे कॉफ़ी के क्यूब्स। तो अगर आपको लाइट कॉफ़ी बनानी है तो आप 1 क्यूब यूज़ करें, अगर आपको डार्क बनानी है तो आप 2 क्यूब्स यूज़ करें। तो मैं सिर्फ 1 ही ग्लास बना रही हूँ, लाइट बना रही हूँ, तो मैं 1 ही क्यूब यूज़ करूँगी। अब इसमें हम दूध डाल देंगे शेकर में। तो आप ये कोई भी बॉटल में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये शेकर हो। अब इसमें हम डाल देंगे 2 आइस क्यूब्स। इसमें हमें ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ना शक्कर ना कॉफ़ी, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले ही उसके क्यूब्स बना चुके हैं। तो ये एक बार की मेहनत है कि आपको कॉफ़ी के क्यूब्स बनाने हैं, अदरवाइज़ जब एक बार कॉफ़ी क्यूब्स बन जाएं तो उसके बाद आप कभी भी झटपट कॉफ़ी क्यूब्स निकालें, और कभी भी जब आपका मन चाहे आप बना के कोल्ड कॉफ़ी पिएं। अब आप इसको अच्छे से शेक कर लीजिए, तो जो कॉफ़ी क्यूब है वो हमारा मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा दूध में। तो ये देखिए हमारी कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी बनके रेडी है, कितना अच्छा कलर आया है। ये मैंने 1 कॉफ़ी क्यूब बस ऐड किया है, अगर आप चाहें तो 2 कॉफ़ी, अगर आप डार्क पसंद करते हैं तो आप 2 कॉफ़ी क्यूब ऐड कर लीजिए। और जो हमने चोको चिप्स डाले हैं उससे और फ्लेवर एनहांस हो जाएगा इसका, और भी टेस्टी लगेगी। तो ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनके रेडी है। अब इसको हम गार्निश करेंगे एक बहुत ही टेस्टी चीज़ से, जो कॉफ़ी में, कोल्ड कॉफ़ी में तो डलती ही है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 स्कूप वनीला आइसक्रीम का, इससे और टेस्टी लगने लगती है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। और इसको मैंने थोड़े चोको चिप से गार्निश कर दिया। तो हो गई ना हमारी झटपट कॉफ़ी बनके तैयार। बहुत ही टेस्टी है और इजी ट्रिक है कोल्ड कॉफ़ी बनाने की। तो जब मन चाहे आप घर में कोल्ड कॉफ़ी बना सकते हैं, और गर्मियों का सीज़न है, बच्चों को पसंद भी होती है, तो बहुत ही ईजी ट्रिक है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। होप आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।